हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। अरे बाकी अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट सेशन है? हाँ, मैं देखा था। एक्चुअली मेरे टाइम के वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया। ओके अच्छा। और ये वाले सेशन में तो मतलब कि ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म होने को है अब, क्योंकि अभी लास्ट सेशन बिल्कुल चल रहा है। और ये इस वीक का भी जो लिमिटेड चीजें थी, जो करेक्शन पैटर्न्स आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो एक्चुअली अगर ऐसा ऐसा होता है बिल्कुल मैं फ्रेश प्रोफेशनल बैच में आइएगा फिर। जी प्रोफेशनल ट्रेडर हाँ हूँ। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ आजकल। अच्छा, पॉलिटी करते हैं। यस, ठीक है बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सागर भाई, तो ये देखिए, ये हम लोग का भी फिलहाल यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन हम लोग सोच सकते हैं जीबीपी यूएसडी के लिए। ठीक है, और देखते हैं फिर मार्केट को। फिलहाल मेरे माइंड में जो प्लान चल रहा है जीबीपी यूएसडी के लिए, वो तो यही है। अब बाकी डिपेंड करेगा मार्केट। सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन ले रहा है ना, तो शायद ऊपर थोड़ा जाता सा अगर बढ़िया करेक्शन लेता है, रिटेस्ट करता है इसको, देन इसको देखते हैं। बाकी फिलहाल अभी हमारे माइंड में जो इसका इमेज चल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके लिए। यहाँ से मुझे दिख रही है कि चलो अगर हम लोग यहाँ से कि इलियट का स्ट्रक्चर लेते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड के साथ इसको थर्ड दूंगा, और इस पूरी करेक्शन वेव को जो है मैं फोर्थ मानना चाहता हूँ। और उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक वेव हमारा जीबीपी यूएसडी के लिए और एक ऊपर में निकले। तो बाकी देखते हैं मार्केट का, ये जहाँ पे लेवल भी मार्केट खड़ा है जीबीपी यूएसडी का, ये काफी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिटेस्ट करके अगर अच्छी कैंडल ग्रीन कैंडल देती है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है इसके ऊपर में। और बाकी इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी ऑलमोस्ट बनाया है इसने। ये ये कुछ ट्रायंगल पैटर्न भी हमारा सेटअप किया है इसने। देखते हैं मार्केट क्या करती है। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चांसेस हैं जीबीपी यूएसडी के यहाँ से अप जाने के। ठीक है ना, राम राम बिलारी जी हैं अपने साथ में। राम भाई क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? राम जी बोलिए, भरत कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा प्रकाश भाई आ गए हैं, चलो धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली सबकी ज्वाइनिंग हो रही है। प्रकाश भाई कैसे हैं? हाँ ठीक है। मैं अभी देखा तो अभी आ गया। अरे भैया आप लोग अब देखिए, कल कल का सेशन में भी पता नहीं सब कहाँ चले गए थे। हमें वीकेंड खत्म हो जाता है फिर अब सब लोग अपने काम। मैं समझता हूँ ऐसा मंडे तो बिजी शेड्यूल रह जाता होगा आप लोग का भी, मैं समझता हूँ। हाँ सर। हाँ ट्यूजडे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टाइम आप लोग निकाल लेते हो। हाँ हाँ ठीक। चलिए कोई नहीं, चलिए। तो आज का हम लोग के सेशन में जो हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोगों ने देखिए उसका इलियट का जो इम्पल्सिव का जितना भी सेशन था वो हम लोगों ने देख लिया था। एक बार मैं हल्का सा रिमाइंड अगर कराता हूँ, जो हम लोग इम्पल्सिव वाले में चेक कर रहे थे पढ़ रहे थे, वो हल्का सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि सभी लोग का एक एक बार कनेक्टिविटी बन जाए इसमें। ठीक है, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे इलियट में वो हम लोग ये बोल रहे थे कि भैया इसके हमारे दो सेक्शंस जो है बनने हैं। तो जो पहला सेक्शन हम लोग देखना था वो तो हम लोग देखना था इंपल्सिव मोड पे, और दूसरा हम लोग देखना था करेक्टिव मोड पे। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना मेरी या कम है? जी जी आ रहा है।
इम्पल्सिव वाले में हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स देखे थे वो हम लोगों ने एक देखा था सिंपल इम्पल्सिव को, उसके बाद में फिर हमने देखा था डायगोनल, और उस डायगोनल के हम लोगों ने अंदर देखा था लीडिंग, और उसके बाद देखा था हम लोगों ने एंडिंग, और उसके बाद में था हम लोग का एक था इसी में टर्नकेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको टर्नकेशन अब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसी के बाद में फिर एक और आता है इंपल्सिव में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो टर्नकेशन हो गया, टर्नकेशन समझाया थे क्या सागर भाई लास्ट टाइम पे? यस यस समझाए थे, और एक्सटेंशन फिर नहीं समझाए होंगे? नहीं काम करते हैं इन दोनों को पहले इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर करेक्टिव वे पे हम लोग जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए जब मार्केट हमारा टर्नकेशन का केस बनाती है, ठीक है, जब मार्केट हमारा टर्नकेशन का केस बनाती है, तो जनरली सिंपल इंपल्सिव में जब हम लोग बात कर रहे थे सिंपल इंपल्सिव की, तो सिंपल इंपल्सिव में मार्केट अपने को स्ट्रक्चर ये पूरा 5 वेव काउंट दे रही थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 वेव काउंट दे रही थी, उसके बाद वो ए बी सी का स्ट्रक्चर कंप्लीट करती थी। जबकि टर्नकेशन फेज ऐसा बनता है जब मार्केट हमारा क्या करती है, ये हमारा पहला भी देता है, दूसरा भी देता है, तीसरा देता है, चौथा देता है, और पांचवा के लिए ये जो अपना थर्ड वेव का जो हाई है वो, ठीक है ना, वो क्या करता है कि थर्ड वेव का जो हाई है वो ब्रेक नहीं करता है, और ऑलमोस्ट उसके इक्वली पे आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसके इक्वली पे आता है, फिर वहीं से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से ए दे देगा, देन ये बी दे देगा, और फिर ये सी दे देगा। तो ये जो फेज हम लोग कहलाता है, ये पूरा फेज हम लोग का टर्नकेशन के फेज में काउंट होता है, और बाकी सेम जो बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो सारा का सारा हमारा इम्पल्सिव वेव से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग फोर्थ वेव यहाँ पे मानते हैं, और ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये हमारा ए बन जाता है, ये बी बन जाएगा, और देन ये हमारा ये सी बन जाएगा। बाकी सिंपल इम्पल्सिव में क्या था, सिंपल इम्पल्सिव में ये था कि हम लोग का फर्स्ट वेव ये बन रहा था, सेकेंड वेव ये बन रहा था, थर्ड ये बन रहा था, फोर्थ ये, और ये फिफ्थ, उसके बाद में हम लोग का ये ए, ये बी, और ये हम लोग का सी बनता था। तो ये हम लोग का सब कंप्लीट हो चुका था। हम लोग एक बार चल के टर्नकेशन का जो केस है, ये वाला जो केस है कि फिफ्थ वेव ऊपर नहीं जाती है थर्ड वेव के पास से, तो ये वाला केस चल के एक बार मार्केट में देख लेते हैं, तो वहां से भी हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से टर्नकेशन फेज हमारे लिए मार्केट में अपीयरेंस होता है। छह लोग आ गए हैं, रामलाल प्रकाश, प्रवीर भाई है, अरे प्रवीर भाई कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं भाई। जी सर, मेरा थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया मेरा, तो बस 8:30 बजे फ्री हो जाता हूँ, और वीडियो भी आपका देखता रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो 8:30 बजे फ्री हो जाते हैं मतलब? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, बने रहिए और प्रैक्टिस में अपना लग रही है, बस ऑलमोस्ट ये हम लोग का लास्ट चल रहा है, और बस करेक्शन वेव खत्म करके फिर आप लोग का बस प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस जितने आप पूछ सकते हो। जी सर, जी सर। कल के सेशन में तो एक बच्चा नहीं दिखाई दिया, मुझे लगा यार क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बच्चा नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं एक्चुअली काम किसी और ड्यूटी में रिटर्न करते हैं तभी, इसलिए मंडे का थोड़ा सा शेड्यूल टाइट हो जाता है ना, तो है ही। और भी 2-3 जोड़ेंगे, मैं उनको कल या परसों तक फिर दे देंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं सर, कैसे करेंगे? उनको वीडियो भेज दूंगा, उनको उनके लिए भाई अभी एक नया सेशन और होगा ना, बिगिनर्स जो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, सेकंड बैच, हां तो उनका सेकंड बैच बनेगा। कब से सर? बस आप ये नया 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला बैच एंड हो जाएगा फिर तो अच्छा होगा, मैं एक तरीके से उनको सब डॉक्यूमेंट वगैरह लाके उनको, हाँ उनको अपना स्टार्ट अटेम्प्ट करवा दीजिएगा, उसके बाद में फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और वो दोनों भी लेडीज है, तो उनको टाइम भी मिलेगा 8 बजे सीखने के लिए, घर में रहते हैं।
एक दो तीन चार पांच कोई अच्छा सा क्या आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा ना पड़ रहा है आप लोग भी ढूंढिए मेरे साथ में देखिए अगर आप ही लोग को मिल जाता है तो जी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुई क्या है उसके हिसाब से आप ढूंढिए ना एक दो तीन चार पांच छह नहीं एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन नहीं एक दो तीन चार अच्छा पांच ठीक है इसको एक बार ये होगा हाँ इसको एक बार ट्राई करते हैं फाइंड करते हैं हालांकि बहुत ज्यादा हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बट फिर भी हमारे एक नॉलेज में होना चाहिए हम लोग ऐसे कि ज्यादातर वर्किंग रहती है उसी पे सिंपल इंपल्सिव वाले पे ही रहती है बट एक आइडिया मार्केट में होना चाहिए कि अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसका क्या मतलब है ना अगर हमने इसको फर्स्ट वेव लिया है इसको लिया हम लोगों ने अरे सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ए फिफ्थ लेकिन इसकी एक कमी है कमी 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 नहीं है चलो चल जाएगा लेकिन उतना परफेक्ट सेटअप नहीं बन रहा है यहाँ पे कि अगर इसका हम लोग हाई देखेंगे फर्स्ट वेव का तो ये हाई हमारा ये जाएगा और फिर यहाँ पे क्या क्या है मार्केट ने फिर ने यहाँ पे ये मार्केट फिर इसके अंदर थोड़ा सा आ गया है तो ये उतना प्रॉपर सेटअप फिर नहीं बनेगा ठीक है इतना प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा एक परफेक्ट सेटअप में चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं ये स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा यार टर्निकेशन का एक दो तीन चार पांच चलिए ये मिल गया ये परफेक्ट है ये वाला वेव को काउंट करिए यहां से फर्स्ट वेव लिया ये सेकंड को ले लिया और ये थर्ड को ले लिया ठीक है और ये ले लिया हमने फोर्थ को और ये हमारी हो गई फिफ्थ फिफ्थ ने हमारी क्लोजिंग यहीं पे दे दी है ठीक है और उसके बाद में फिर फिफ्थ बनने के बाद मार्केट क्रिएट करेगा एबीसी देन यहां से हमारे काउंटिंग लेंगे एबीसी के लिए और ये बनेगा हमारा यहां से ए फिर ये बी और ये आपका सी बन गया इधर नीचे साइड पे ठीक है ना तो मार्केट ये स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करती है ठीक है मार्केट जैसे कि हम लोग जैसे सिंपल इंपल्सिव को देखते हैं सिंपल इंपल्सिव में किया था कि ये जो हम लोग का फिफ्थ वेव था वो हमारा ऊपर साइड में होता था ठीक है और
जो हम लोग का टर्निकेशन का केस देते हैं, टर्निकेशन वाले केस में जो हमारे फिफ्थ वेव रहती है ये हमारा हाई नहीं बना पाता, ये हमारा थर्ड वेव के हाई के पास तक जाता है, ठीक है, थर्ड वेव के हाई के पास तक जाता है और वहां से ही हमारा ये ए को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ये होता है हम लोग का टर्निकेशन वाली केस में, ठीक है ना? यस, क्लियर है सभी को? प्रवीर भाई बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, जी सर। बस सिंपल सा डिफरेंसेस है, बहुत सिंपल सा माइनर, बहुत डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है कि मतलब बस जो हम लोग का फिफ्थ वेव था, फिफ्थ वेव हम लोग ये करता था कि वो नया हाई बना कर देता था, और जो हम लोग का इम्पल्सिव वे में था, और इसमें जबकि जो टर्निकेशन वाले में क्या करेगा, टर्निकेशन वाले में हमारा जो नया फिफ्थ वेव है उसका नया हाई नहीं बनाएगा, वो थर्ड वेव तक ही वो लिमिट रहेगा। तो इसी इस केस को हम लोग टर्निकेशन बोलते हैं। हालांकि इसको ज्यादातर हम लोग अपने ट्रेड के यूज में नहीं लाते, बट फॉर जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन हमें पता रहना चाहिए कि ये वाला अगर मार्केट में केस बन रहा है या हमारे वेव जनरेट हो रहे हैं तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, या क्या मार्केट बना रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक तरीके से इम्पल्सिव केस ही है, ठीक है, ये भी हमारा इम्पल्सिव केस में ही आता है इलियट के हिसाब से। और उसके बाद में एक ये आपका इम्पल्सिव वाले में एक और लास्ट केस रह जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और लास्टली देख लेते हैं, फिर हमारा ये वाला पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे एक्सटेंशन में। अब ये एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन अपने आप में ही एक इम्पल्सिव ही प्रॉपर्टी है। तो अब एक्सटेंशन का अगर सिंपल समझो, अगर सिंपल शब्दों में अगर जानेंगे मतलब, तो एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ जाना, ठीक है ना, किसी भी चीज का एक बड़े लेवल पे बढ़ जाना, ठीक है। बढ़ना, ठीक है, या स्ट्रेच हो जाना, इसको भी हम बोल सकते हैं स्ट्रेच हो जाना। तो अब एक्सटेंशन वर्ड होता है इंपल्सिव वेव में, ये हम लोग तीन तरह से हमारे लिए ये हम लोग इसको देख सकते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट वेव इंपल्सिव, फर्स्ट वेव एक्सटेंशन। दूसरा जो हमारा बनता है वो बनता है सेकेंड वेव एक्सटेंशन। और जो हम लोग थर्ड बनता है वो बनता है थर्ड वेव एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसका हरेक का मतलब क्या है। देखिए, फर्स्ट वेव एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिंपल इंपल्स बनेगा, ठीक है, जो हमारा सिंपल इंपल्स बनेगा उसमें जो पहली वेव होगी वो जो है वो आपस में एक्सटेंडेड रहेगा, यानी एक दो तीन चार पांच, यानी कि अपने आप में स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद में बनेगा दूसरा, फिर ये बनेगा तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मतलब केवल जो एक्सटेंशन होगा वो फर्स्ट वेव में हमारा लॉन्गर होगा, जो एक्सटेंशन होगा वो फर्स्ट वेव में हम लोग जो है लॉन्गर उसको देखेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वेव, सॉरी थर्ड वेव यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे आपका थर्ड वेव कहलाएगा और यहाँ पे आपका फिफ्थ वेव कहलाएगा, ठीक है। ये थर्ड वेव मेरा, देखिए ये हमारा जो है ऑड नंबर, जो भी हमारे इंपल्सिव वेव बनते हैं, जैसे हम लोग सिंपल इंपल्सिव पढ़ते थे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो आपका पांचवा वेव बनता था, जो आपका तीसरा वेव बनता था, जो आपका पांचवा वेव बनता था, तो पहला, तीसरा, पांचवा, यही तीनों हमारे क्या कहलाते थे, इंपल्सिव वेव कहलाते थे। तो ये जो आपका एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन इसी तीनों वेव में कहीं ना कहीं यूज होता है, यानी कि या तो आपका फर्स्ट वेव एक्सटेंशन में यूज होगा, मतलब कि आ जाएगा, या तो आपका थर्ड वेव में एक्सटेंशन ये यूज होगा, या तो आपका फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में यूज होता है। तो फर्स्ट वेव में अगर एक्सटेंशन होता है तो उसको हम लोग कैसे, मार्केट कैसे हमारा शो करेगा, इस तरह से शो आप करेगा, इस तरह से। और एक चीज और इसमें आप ध्यान करिए कि जो हमारा फर्स्ट वेव में जब एक्सटेंशन बनती थी इस तरह से, तो एक हम लोग ने पढ़ा था कुछ टाइम पहले लीडिंग डायगनल के बारे में, याद है किसी को? लीडिंग डायगनल इंपल्सिव वेव के या सिंपल इंपल्सिव वेव की कौन से वेव में पाया जाता था, बताइए? थर्ड और फिफ्थ में। थर्ड और फिफ्थ में, और एंडिंग, एंडिंग डायगनल तो चलो लीडिंग हो गया, और एंडिंग डायगनल नहीं, थर्ड वाला, थर्ड वाला है सिंपल इंपल्सिव,
और पांच वाला है एंडिंग डायगोनल। अच्छा देखिए, जो एंडिंग डायगोनल था, एंडिंग हमने कहा था कि भैया ये हमारा वेव फिफ्थ में बनेगा या वेव सी में बनेगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा इंपल्सिव पूरा बनता है 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी, तो या तो ये एंडिंग डायगोनल इसमें बनेगा सी में, और या तो आपका ये फिफ्थ में बनेगा। जबकि हम लोगों ने लीडिंग डायगोनल की बात करी थी, तो लीडिंग हमारा कहां बनता था, लीडिंग बनता था हमारा फर्स्ट वेव में, फर्स्ट वेव, ठीक है, फर्स्ट वेव, यस। तो अगर हमारा फर्स्ट वेव में लीडिंग डायगोनल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वो एक तरीके से एक्सटेंशन ही है, एक तरीके से वो मार्केट का एक्सटेंशन ही है, ठीक है। तो जो हमारा अगर फर्स्ट वेव में कभी लीडिंग डायगोनल बनता है, तो उसको हम लोग यही कह सकते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट वेव एक्सटेंशन हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमारा थर्ड वेव एक्सटेंशन प्रॉपर्टी आएगा, तो उसमें क्या आएगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। थर्ड वेव एक्सटेंशन का मतलब ये होगा कि मार्केट हमारा जो पहला वेव है और जो हमारा दूसरा वेव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये थर्ड वेव बनाएगा, तो अपने आप को काफी ज्यादा, मतलब अपने प्रीवियस लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रेच कर देगा खुद को, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, एक मान के चलिए एक वेव इसने ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा एक और दे दिया, चौथा दे दिया, पांच वेव दे दिया, उसके बाद भी फिर ये देगा चौथा, फिर ये देगा पांचवा, और उसके बाद में देगा ए बी और ये सी। तो ये जो आप जो जो ये एक्स्ट्रा जो आप स्ट्रेच देख रहे हो इस मार्केट का, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, और ये आपका थर्ड है, थर्ड वेव एक्सटेंशन है ये, और ये उसके बाद फिर आपका फिफ्थ, यानी कि जो भी आपके इम्पल्सिव वेव जहां जहां बनते हैं, वहां वहां पे ये हम लोग का मार्केट कई कई बार, कभी बार जो है ना एक्सटेंशन हम लोग को दे देता है। सेम अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वेव एक्सटेंशन की, तो फिफ्थ वेव एक्सटेंशन कैसे काम करेगा, जैसे फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है अपने से ज्यादा मूवमेंट को कैप्चर करेगा। तो ये जो पूरी वेव हम लोग देखेंगे इसमें, ये हम लोग का कहलाएगा एक्सटेंशन। उसके बाद में मार्केट हम लोग देगा ए बी और ए सी। तो ये आपका हो गया फिफ्थ वेव एक्सटेंशन, और ये हो गया आपका थर्ड वेव। और फर्स्ट हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक बार चल के देखते हैं। और आप लोग को बताता हूँ एक चीज और, कि जो आप लोग का एक्सटेंशन का केस होता है, वो ज्यादातर हम लोग का वेव फाइव में ज्यादातर देखा जाता है। बाकी हम लोग एक बार चल के एक एक्सटेंशन का कोशिश करते हैं, अगर हम लोग एक वो मिल जाएगा लाइव चार्ट पे, तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। तो मार्केट में कभी भी जब कैसे कभी आप, क्योंकि आप तो सिंपल इंपल्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सिंपल इंपल्स से पढ़ रहे हो, बट आप कभी देख रहे हो क्या, जो हमारा फिफ्थ वेव है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली में हो सकता है कि आपका फिफ्थ वेव एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी वहां पे काम कर रहा हो, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है वहां पे कि अरे अचानक से ऐसा क्या हो गया इसमें, ठीक है। चलिए आगे चार्ट थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। एक दो तीन, मैं आप लोग कोशिश करूंगा कि फिफ्थ वेव एक्सटेंशन दिखा पाऊं। अच्छा अगर आप ये देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा इसमें। देखिए ये यहां से हमने एक वेव ये लिया, दूसरा ये गया, ठीक, तीसरा ये, ठीक है, और चौथा ये, और पांचवा ऑलमोस्ट हम लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से एक और वेव को कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए एक दो तीन, चार और ये पांच, क्लियर हो रहा है सभी को। ये जो आप प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये आपकी फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है, ठीक है।
और उसके बाद आप मार्केट को देखिए, तो मार्केट ने आपको एग्जैक्टली फिर वैसे ही आपको फॉलो अप किया है। अब उसके बाद देखेंगे मार्केट ने आपको करेक्शन पैटर्न दिया है एबीसी, ए बी और ये सी। तो ये जो आप मूवमेंट, ये जो एक्स्ट्रा मूव इसमें आया है फिफ्थ वेव में, ये हमारा कहलाएगा फिफ्थ वेव एक्सटेंशन। ये जो है आपका फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग का ये सेम जो है बाकी पहले की तरह हम लोग का बन गया ए बी और ये सी। इसी तरह से हम लोग का थर्ड वेव एक्सटेंशन भी होता है, जब किसी में आप देखते हो कि जो है थर्ड वेव काफी ज्यादा लॉन्गेस्ट मूवमेंट देता है, तो वो हमारा थर्ड वेव में जो है हमारा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी कैरी ऑन करता है। उसके बाद किसी कभी कभी हमारा फर्स्ट वेव में भी हमारा ये प्रॉपर्टी कैरी ऑन होता है। अच्छा, एक बार मैं यूरो यूडी का चार्ट देखने की कोशिश करता हूं, अगर मैं कुछ उधर दिखा पाऊं तो लेट्स सी। एक दो पांच, ठीक है। यूरो एयूडी के ऊपर में मैंने ये कहा था कि जो यूरो एयूडी है आपका, ये यहां से मुझे जो लग रहा था कि ये यहां से लीडिंग डायगोनल की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट मुझे लग रहा था। देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है, ये पांच ये हो गया। अब पांच होने के बाद में एक तरीके से अगर आप ध्यान से इसको आप देखेंगे तो देखिए ये पूरी वेव को आप एक काउंट करिए, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अच्छे से क्लियर करता हूं आपको। देखिए इस पूरी वेव को अगर मैं वन काउंट करता हूं तो ये हो गया हमारा एक, ये दो। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो थर्ड वेव का है मोशन, ये हमारा रनिंग आउट है। देन हम लोग एक्सटेंशन ले सकते, एक हमारा वेव और करेक्शन करेगा हम फोर्थ के लिए। देन हम लोग यहां से एक और मूवमेंट यहां पे फिफ्थ के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोग याद होगा मैंने ये कहा था कि यूरो एयूडी में हम लोग के लिए यहां से एक बाय अपॉर्चुनिटीज बन सकती है इस लेवल से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से लीडिंग डायगोनल बन गया है। और ये जो आप लीडिंग डायगोनल आप देख रहे हो ये एक तरीके से आपका एक्सटेंशन ही है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कही थी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वेव एक्सटेंशन भी है प्लस हमारा यहाँ पे लीडिंग डायगोनल का हमारा कैरेक्टर भी मिल रहा है। तो अगर हमारा फर्स्ट वेव एक्सटेंशन है और लीडिंग डायगोनल है तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट वेव मान सकते हैं, इसको हम लोग सेकंड बोल देंगे, इसको हम लोग, इसका मतलब जो हमारा यूरो यूडी हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं वो हम लोग एक फोर्थ चार घंटे टाइम फ्रेम में हम लोग एक अबव का हम लोग जो है डायरेक्शन दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा, फिर हमारा ये हमारा फोर्थ हो जाएगा और ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो हम लोग, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे यूरो एयूडी के लिए तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आई विल बी बुलिश फॉर यूरो एयूडी, ठीक है, मैं यूरो एयूडी के ऊपर मैं बुलिश रहूंगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है, ठीक है। और यहां से एक कैरेक्टर हम लोग और देखने, अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहां से हमें एक एक दो तीन चार पांच, देखिए यहां से मुझे एक और चीज क्या दिख रहा है, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव को काउंट करना फ्रॉम दिस लेवल, एक दो तीन चार पांच, ये सिंपल इंपल्स कंप्लीट हो गया। सिंपल इंपल्स कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा आएगा करेक्शन, करेक्शन के बाद हमारा ये आएगा ए बी और ये सी। तो ये सी वेव ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीटिंग फेज में है। अब इस पे हम लोग कहां पे एंट्री ले सकते हैं नई वेव के लिए, नया साइकिल के लिए कहां पे एंट्री हमारी बनेगी, यहां से ये ले लीजिए और ये वाला जो लेवल है ये हमारा ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, ठीक है। ये हमारा लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगा देन हमारे पास में एक नई वेव को राइड करने के लिए कंफर्मेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये चाहेंगे कि ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाए, ये हाई हमारा ब्रेकआउट हो जाए, ताकि हमारे पास में ये ट्रेंड का क्लेरिफिकेशन आ जाए कि हाँ पे हमारा ट्रेंड जो है न्यू अप डायरेक्शन में सेट हो गया है। देन हम लोग यहां से अगर मार्केट रिटेस्ट देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो बस वही है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, बट आपको जो है ठीक ठाक, मतलब कि 1:1.5 या 1:2 का आपको रिस्क रिवार्ड हम लोग यूरो सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का पूरा कैरेक्टर हुआ एक्सटेंशन का। तो ये दो सेक्शन हम लोग बाकी थे अपने, इसमें एक्सटेंशन वाले में था
और हम लोग का बाकी था ये आपका टर्निकेशन। तो दोनों केस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और ये चीजें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी कि यूरो एयूडी आप लोगों को मूव दे दिया है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, हम लोग अभी वेट करेंगे यहाँ से। एक मैं एक अच्छा पैटर्न देख पा रहा हूँ कि मतलब अगर ब्रेकआउट होता है, इसका हाई को ब्रेकआउट दे देता है, देन वी विल बी इन बुलिश नेचर विद द यूरो एयूडी एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट। अगर हम जाते हैं एक बार यूरो यूएसडी के ऊपर में, देन एज यू कैन सी मैंने कहा था कि यूरो एयूडी पे हम लोग बुलिश रहेंगे। तो आज के दिन पे तो हम लोगों ने एक सेलिंग मोड लिया है, ठीक है। बट अभी मेरे को लग रहा है कि हम लोग को यहाँ से एक बुलिश मोड मिलने के चांसेस हैं। अगर हम लोग H4 पे आते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को देख पा रहा हूँ, ठीक है। मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं जो देख पा रहा हूँ यूरो एयूडी यूरो यूएसडी में जी, ये हम लोग यहाँ से इम्पल्स वेव काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड के बाद में ये थर्ड, और ये पूरी वेव को मैं फोर्थ समझता हूँ, और ये हमारा फिफ्थ बनेगा। तो इसका मतलब कि हमारा एक वेव अभी ऊपर में जाना चाहिए, और ये वेव का जो हम लोग का कंफर्मेशन था, कंफर्मेशन एंट्री, वो अभी तक मार्केट ने नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग का जो लास्ट हाई था वो अभी तक का मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया। अगर हमारे लास्ट ब्रेकआउट दे देता, हम आप ग्रीन कैंडल दे देता, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आया बट यहाँ से रिटर्न कर गया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे आया फिर यहाँ से रिटर्न कर गया। तो अब यहाँ से अगर हम ग्रीन कैंडल दे तो फिर हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर देते कि हाँ भाई चलो ये हमारा फिफ्थ वीकली रनिंग आउट होगा, बट यहाँ पे अभी तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं बना। चलिए पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि ये मार्केट अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा इम्पल्सिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे होपफुली एक एक मूव हमारा डाउन ए और आ सकता है यहाँ पे, बट यहाँ के बाद में फिर हम लोग मार्केट अगर नीचे लो हमारा ब्रेक नहीं करता है, अगर मार्केट नीचे लो ब्रेक नहीं करता है, देन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यूरो यूएसडी से कि ये हमारा एक नेक्स्ट बुलिश मूव हमें दे सकता है। इसके पीछे एक और रीजन क्या हमारे हिसाब से बन रहा है वो भी मैं आपके साथ में अभी और शेयर करूंगा। ये यहां से हम लोग एक आपको देख पा रहे हैं यूरो यूएसडी को कि ये हमारा एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न को जेनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न को जेनरेट कर रहा है और इसके हिसाब से भी हम लोग का एक सेटअप बन रहा है। तो बस वही है कि या तो यहां से बुलिश हो ही रहा है अभी, बाकी देखना पड़ेगा कि लास्ट कंफर्मेशन हम लोग इसी से लेंगे, क्योंकि अभी तक का ये वाला हाई जो हमारा डी पॉइंट है ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा यूरो यूएसडी, यूरो एयूडी के लिए भी मैंने दे दिया और जीपी यूएसडी के लिए भी मैंने दे दिया है। विल सी व्हाट द मार्केट डू। और ठीक है, फिर सेशन था हम लोग का स्टार ट्रेडर की तरफ से। आप सभी का सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज की जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है स्टार ट्रेडर के साथ में, वो ओपन कर लें, बहुत अच्छा ब्रोकर है। और उसके बाद में फिर सेशन को कंटिन्यू करिएगा, बीच में गैप बंद करिए, क्योंकि हम लोग जो कल सेशन पढ़ने वाले हैं ये हम लोग पूरा करेक्टिव पैटर्न्स पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो प्लीज अभी दो तीन क्लासेस बाकी आप लोग, तो प्लीज उसको ड्रॉप मत करिए। एक तरीके से आप उसको सीख लेंगे तो आपके माइंड पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, भले आप बाद में उसको और रिपीट करिएगा, बट एक बार जब सामने क्लास में पढ़ो तो उसका एक अपना ही मजा है, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत सेशन को ज्वाइन करने का धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.